गुड आफ्टरनून गाइस, आज है 27 जैन। काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। जय श्री राम। पहले तो अयोध्या मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो बहुत अच्छे से हो गई। कल हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस, तो बहुत खुशी हुई। हमने भी छोटा सा यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया था मेरे घर पे, जो हमारे पास फ्लैग था। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस देश में, जब देश के बाहर आप रहते हो और यू नो आपको एक पेट्रियाटिक फीलिंग आती है, तो तब आपको समझ में आता है रियल आपके घर की, आपके देश की कीमत आपको समझ में आती है। कुछ लोग अभी भी नहीं समझे, विकास की बातें करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर्स में 6.7% की जीडीपी बढ़ने वाली है, तो इन लोगों को विकास का क्वेश्चन क्यों आता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप बाहर की कंट्रीज में आओ तो आपको समझ में आएगा कि विकास क्या हो रहा है। दूसरी चीज, बेरोजगारी की बात वो करेंगे जिनके पास जॉब नहीं है, और जिनके पास जॉब नहीं है वो वैसे भी निठल रहे, और जिसके पास जॉब है वो कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेगा। तो ये एक टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगता है आई थिंक बीजेपी अगर और 10 साल 15 साल जितने भी साल रहेगी, इंडिया इज गोना प्रोग्रेस बिग टाइम। अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए पटेल ब्रदर्स और वॉलमार्ट में। दिखाता हूँ आपको, कंटेंट होता नहीं है ज्यादा, बट ठीक है, कुछ ना कुछ शूट करते रहते हैं। तो लेट्स सी, ज्वाइन विद अस ऑन द वीडियो एंड रोज कॉन्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ डालते रहूंगा। कितना टाइप की योगर्ट है भाई, दूध देखो, वो सारा दूध का सेक्शन है। खाली पटेल ब्रदर में मिलता है। पटेल ब्रदर में आके ना अपनी वाली फीलिंग आती है एकदम। सब देसी लोग, सब अपनी जैसी चीजें, सब सरसों का तेल, ये वो, वड़ा पाव मिल रहा था अभी, लैमिनेट करके दे रहे, क्या दिन आ गया बेच, लेकिन मज़ा आ गया यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पुदीना ले लेते हैं, और टारगेट के बाहर ना छोटे गमले मिलते हैं, अपने बरांडे में रखेंगे, मस्त पुदीने की खेती करते हैं ना। ये तो ऐसे बात की कि दूध चाहिए और पूरी घर में वही क्या बोलते हैं तबेला खड़ा। पुदीना तो पानीपुरी सब में, चाय बाय में भी चले, तो पुदीने की खेती ना कर सके, छोटा सा गमला रखे। बॉम्बे स्टाइल है। बालाजी ले लो, ये लो बोलो, बालाजी तो लेना पड़े भाई। तो गाइस मैं भी आया हूँ टोटल वाइन, दारू का बहुत बड़ा, मतलब डीमार्ट जैसा अपने यहाँ पे होता है ना वैसा बहुत बड़ा स्टोर है। इतनी दारू है, देखने आया हूँ कैसा होता है सब, ब्यूटीफुल, मतलब इतनी सारी दारू, हो पागल हो गए। गॉट माई न्यू चेयर, हरमन मिलर की फेसबुक मार्केट प्लेस से ली थी। वर्क स्टेशन, कल से काम चालू, फिर से व्लॉग चल रहा है यार। ये मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि गर्मी में हम चलेंगे, लेकिन लोग बोलते हैं गर्मी में नहीं चल पाओगे, इतना ज़्यादा धूप होता है यार, हम इंडिया। तो थोड़ा जिम के बाद चलने निकले। ये हमारा जो अपार्टमेंट है उसके पीछे ही लेक है, तो चलने निकले आज। आज शुक्र है कि थोड़ा धूप है, बिना जैकेट के आप निकल सक रहे हो, वरना डैलस में बहुत ठंडी थी। एक बात शेयर करनी थी, कब से दिमाग में आ रहा था कि वेयर डू यू फाइंड हैप्पीनेस, राइट? पीपल से इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू आर हैप्पी। एट द एज ऑफ यू नो वॉट एज आई एम राइट नाउ, आई फील कि थोड़ा सा जो सक्सेस है, थोड़ा सा 10% वो मिली है, तो आने के बाद भी मैं हैप्पीनेस ढूंढ रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। मतलब इट्स नॉट अबाउट गेटिंग सक्सेसफुल एंड देन यू नो कि हैप्पीनेस मिल जाती है। हैप्पीनेस इज़ अ टास्क, एवरी डे
when you wake up you have to be happy, that's when you get happy, you know, jo bhi tumhare paas hai usse khush raho. Money and materialistic things don't give you happiness. We feel like the people around us is happiness. Yeah. Giving us that happiness. Yeah. That we want. Yeah. Your money, family, your family is your happiness. House, everything is all products. Yeah. I mean, all material. Yeah. Yeah. You can even achieve, even yeah. though you are. If you are happy by yourself, jo aap ho, agar aap khud khush ho jo aapne kiya hai, that's real happiness. If you think ki main successful ho jaunga, mere paas itna paisa aa jayega aur main khush ho jaunga, that's not true. It's not gonna happen. Kitne bhi